हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हमने फोर मेथड्स करने हैं, जिसमें से हम टू तो ऑलरेडी कर चुके हैं. कौन कौन से? जिसमें एक में तो आपको लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि ए और बी. फर्स्ट मेथड जो हम किया था, ए और बी 2:1 में शेयर करते हैं. सी आया 1/4 शेयर के लिए, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी. तो हम कौन सा मेथड यूज करते थे? लेट वाला, जहां पर शेयर कितना हो जाता था फॉर्म का 1. ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकेंड मेथड कौन सा किया था, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी गिवन होता है ए और बी क्या कर रहे हैं 2:1 में शेयर कर रहे हैं. सी आया 1/4 शेयर के लिए और जो ये दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 1:1 के अंदर, मतलब इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए. ये सेकंड मेथड था. तो इसमें हम क्या करते थे, पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, ए और बी का न्यू, ए बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे. फिर थर्ड मेथड हमने किया था, जिसके अंदर ए और बी आपको गिवन होता था 2:1 में शेयर कर रहे हैं, सी आया 1/4 शेयर के लिए और आपको कह रहे हैं कि 1/8 तो ए ने सेक्रीफाइस किया है और 1/8 बी ने सेक्रीफाइस किया है. मतलब इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना आता था, 1/4 ही आता था. तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता था सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे. अब थर्ड मेथड का ही अदर केस है. जैसे इसके अंदर इन्होंने बोला कि 1/4 का वो क्या कर रहे हैं, हमको ऑलरेडी गिवन है कि वो इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, तो वो इसी का ही पार्ट हो जाता है. जैसे कि देखो 1/8, अगर हम 1/4 का सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकालेंगे तो वो 1/8 और 1/8 ही आएगा. अब जो नेक्स्ट मेथड है, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगी. जैसे सी आया है 1/4 शेयर के लिए और ए और बी उसको 2:1 के अंदर दे रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इक्वली दे रहे थे, इसके अंदर पर्टिकुलर रेशियो में देंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं. इसके लिए इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं हम. इलस्ट्रेशन 6 का ए पार्ट है, लूसी एंड जेनी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3. इलस्ट्रेशन 6 कर रहे हैं, लूसी और जेनी दो पार्टनर्स हैं, 4:3 में वो शेयर कर रहे हैं. दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर. एलन को लेकर आए हैं 20% के लिए. परसेंट का हमको मतलब पता है कि कितना होता है टोटल, 100. परसेंटेज के अंदर हम यही करते हैं, 100 में से परसेंटेज निकालते हैं. तो 20% का क्या मतलब हो गया, 1/5 शेयर के लिए. ठीक है, आगे वो कहते हैं, एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी. अब ये जो 1/5 शेयर के लिए आए हैं, ये इन्होंने कौन सी रेशियो में लिया है, 1:2 के अंदर. मतलब 1/5 का 1/3 तो लूसी ने दिया है, 1/5 का 2/3 जेनी ने दिया है. तो अब आगे आपको वो बोल रहे हैं, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लूसी, जेनी एंड एलन. तीनों की आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है. तो जैसे हम इस केस में करते हैं, पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो उनकी क्या है, 1/5 के लिए आई है एलन. हम पहले लूसी का निकालते हैं, 1/5 का 1/3 तो कौन दे रही है, लूसी. यही हुआ, 1/5 का सेक्रीफाइस कितना कर रही है, 1/3. और जेनी का हम देखें तो 1/5 का 2/3 कौन दे रहा है, जेनी. ये तो पार्ट है वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. लूसी कितना दे रही है, 1/15, और ये कितना दे रहे हैं, 2/15. लूसी और जेनी इतना इतना पार्ट छोड़ रहे हैं एलन के लिए. तो अब हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स की अब हम निकाल सकते हैं. लूसी का शेयर कितना था, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 4/7. उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/15. तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 105. तो ये कितना आ गया, 60-7. तो उसके बाद जेनी का निकालते हैं, इसका ओल्ड शेयर कितना था, 3/7. इसने कितना दे दिया, 2/15. किसको दे दिया, एलन को. तो इसका भी एलसीएम 105 आ गया. तो ये कितना हो गया, 45-41. तो यहां पे हम देखें 51/105,
ये कितना आ जाएगा 45, ओह सॉरी ये 114 है, 45 माइनस 14 31 बाय 105, ठीक है। और उसके बाद एलन का हम देखें, एलन का तो हमको पता है वो कितने शेयर के लिए आई है, 1/5 शेयर के लिए आई है। अब हम तीनों का निकालते हैं, लूसी, जेनी एंड एलन। लूसी का शेयर 51/105, जेनी का शेयर 31/105, और जो एलन का शेयर है वो 1/5 है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21/105। इनकी न्यू रेशियो क्या आ गई, 51:31:21, 31:21, ये इनकी न्यू रेशो आ गई। तो इस केस के अंदर भी जितनी रेशो उन्होंने गिवन होगी, जैसे इसमें अगर हम कहें तो 1:2 गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे कि वो कितना कर रहे हैं, उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी जब हम उनके ओल्ड शेयर में से उनका सेक्रीफाइसिंग पार्ट माइनस कर देंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इलस्ट्रेशन 8 के थ्रू। इलस्ट्रेशन 8 है, उससे पहले हम पढ़ते हैं, समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। पहले आपको क्या गिवन होता था, न्यू पार्टनर का शेयर ऑलरेडी गिवन होता था और आपको बताते थे कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में वो शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, आपको गिवन होगा ए अपने शेयर का कितना पार्ट छोड़ रहा है, बी अपने शेयर का कितना पार्ट छोड़ रहा है सी के लिए। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जब ए जितना पार्ट छोड़ रहा है और बी जितना पार्ट छोड़ रहा है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली बात है हमारा सी का शेयर आ जाएगा। इस केस में आप क्या करते हैं, द न्यू पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो वो ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं उनको ऐड करके हमारा न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है। ओल्ड पार्टनर शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर्ड शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर्स। और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उसके केस में हम क्या करते हैं, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी माइनस सरेंडर वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जो भी सरेंडर किया उन्होंने तो उनकी न्यू रेशियो आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 8 है, देखते हैं क्या कहते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर 7:3 में शेयर कर रहे हैं, ए और बी पार्टनर है 7:3 में शेयर करते हैं। सी को एडमिट किया है, ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर का 2/7 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। और आगे कहते हैं इन फेवर ऑफ सी एंड बी 1/7 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी कितना कर रहा है, 1/7 शेयर कर रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तीनों पार्टनर की आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, सरेंडर वैल्यू, कितना कितना वो सरेंडर कर रहे हैं। ए का अगर हम निकालें, ए का शेयर कितना था 7/10, उसने कितना शेयर क्या कर दिया सेक्रीफाइस किया 2/7, 2/7 उसने कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 14/70, उसने किसको दे दिया सी को दे दिया, सी का शेयर यहां पर हमारे पास मिसिंग है। फिर बी का शेयर कितना था 3/10 और उसने कितना छोड़ दिया 1/7 सरेंडर कर दिया, तो ये कितना आ गया 3/70, बी ने 370 छोड़ दिया। तो सी का अगर हमने शेयर निकालना है तो ए ने अपना 14/70 छोड़ा, बी ने 3/70 छोड़ा, तो सी के पास कितना आया 14/70 प्लस 3/70, 70 एलसीएम 14 प्लस 3 कितना आ गया 17/70। तो सी का शेयर तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सरेंडर्ड वैल्यू है, मतलब उसका शेयर 7/10 था, उसने 14/70 सी को दे दिया हमें पता है, तो अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का टोटल शेयर हमारे पास कितना था 7/10, तो 7/10 माइनस उसने अपना कितना पार्ट छोड़ दिया 14/70। जब हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 70, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 14 35/70, ठीक है। बी का शेयर कितना था हमारे पास 3/10 और उसने अपना कितना पार्ट छोड़ दिया 3/70 का, तो अब भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 3 18 बाय कितना आ जाएगा 70। उसके बाद
हमारे पास सी का तो शेयर ऑलरेडी गिवन है 17/70, हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई 35:18:70। इस तरह से हम पहले सरेंडर वैल्यू निकालेंगे कितना कितना वो सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उनके एग्जिस्टिंग शेयर में से सरेंडर वैल्यू माइनस करके उनका न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ मेथड है जो आप कैलकुलेट करोगे इस मेथड से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपके आगे जो क्वेश्चंस चलेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए आपका चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है। हम ये भी देख चुके हैं कि नए पार्टनर के आने पर हमेशा क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस करते हैं सी को देने के लिए। तो अब हमने वही रेशियो निकालनी है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए, ठीक है। तो इस केस के लिए जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब आप ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कई बार आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें भी गिवन होंगी, न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो भी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ओल्ड रेशियो तो गिवन होगी लेकिन आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी पहले। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेसिस पर आप मेथड सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा, उसके बाद आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो इसके लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 13। आपको क्वेश्चन में गिवन है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है। आगे कहते हैं दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप और उनकी न्यू रेशियो है 3:2:2:3। अब उन्होंने न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी, यहां पर तो डी था नहीं तो इसको तो कैंसिल कर दें और ये उनकी न्यू रेशियो है। हमने सिर्फ क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपने सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितनी है 5/10 और न्यू कितनी है 3/10, तो ये क्या आ गया 2/10। बी का कितना है 3/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10 तो 1/10। सी का कितना है 2/10 माइनस 2/10, मतलब निल हो गया, कुछ भी नहीं दे रहा। और डी तो न्यू पार्टनर है तो वो तो कुछ गेन ही करेगा, कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता, तो डी की निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में 2:1, ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। तो इस तरह से आपने क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर आपको आगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी गिवन होंगे, उसमें आप पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉसेस इन द रेशियो 5:3, ठीक है। इलस्ट्रेशन 18 है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स और वाई 5:3 में शेयर करते हैं, x:y 5:3 में शेयर कर रहे हैं, z को एडमिट किया और इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन y एंड z शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन x एंड y। y और z की रेशियो वैसी ही होगी जैसी x और y की है, मतलब यहां पर y का शेयर जैसे x का शेयर है वैसे y का होगा, मतलब y और x के अंदर क्या रेशियो है 5:3, वैसी ही रेशियो y और z के अंदर होगी। तो इसके अंदर आगे आपको बोलते हैं
कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं गिवन कि कैसे हमको क्या कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पर कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा जो हम चार मेथड्स कर चुके हैं। ये एक्सेप्शनल केस हैं, कई बार स्टूडेंट का चेक करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। अब हमको उन्होंने बताया कि एक्स और वाई 5:3 में शेयर कर रहे हैं, तो वाई और जेड क्या करेंगे, उनकी रेशियो सेम होगी एक्स और वाई की तरह। हम करते हैं इफ वाई का शेयर हमारे पास है 5, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं y का शेयर x के इक्वल है, तो y का शेयर अगर 5 है तो z का शेयर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 3, क्योंकि x और y की तो रेशियो 5:3 है, तो y का 5 हुआ तो z का 3 होगा। अब अगर y का 1 होगा तो z का 3/5 होगा, हम ऑलरेडी करते हैं ये। अब जो y का शेयर है वो कितना है 3/8, हमको पता है क्वेश्चन में जो उसका रियल शेयर है वो 3/8 है, तो हम z का निकाल सकते हैं 3/5 × 3/8 9/40। इसके बाद हम तीनों पार्टनर्स का निकाल देंगे x, y एंड z का, 5/8, 3/8 और 9/40, वहां से आपको क्या मिल जाएगी, न्यू रेशियो मिल जाएगी 9/40, 40 एलसीएम लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 25:15:9, तो ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, आप क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं इसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट था, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हम चार मेथड्स कर चुके हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 19, के एल एम पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, के एल एम 3:2:1 19th इलस्ट्रेशन है, ठीक है। दे एडमिट एन फॉर 1/6 शेयर, एन को लिया है 1/6 शेयर के लिए, उसके बाद कहते हैं एंड इज अग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा, उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो आपने न्यू रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो जनरली हम इस केस में क्या करते हैं, जब आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, लेट द टोटल शेयर हमारा कितना हो जाता है 1, और हम क्या करते हैं एन को हम दे रहे हैं 1/6, तो रिमेनिंग हमारा रह जाता है 1 - 1/6, यही करते हैं, और जो बचता है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला कि एम का जो शेयर है उसको भी आपने चेंज नहीं करना, तो उसका भी सेम रखना है, तो मतलब हमने चेंज कितना नहीं करना, 1/6 एन का निकाल दिया, 1/6 एम का निकाल दिया, तो ये आपका कितना हो गया 2/6, तो इसमें से 1 में से हम 2/6 लेस कर देंगे, आपका शेयर आएगा 4/6, 4/6 हम क्या करेंगे के और एल के अंदर डिवाइड कर देंगे, के का शेयर कितना हो जाएगा 4/6 का 3/5 हो जाएगा, क्योंकि अब तो उनकी रेशियो 3:2 है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 4/6 का 3/5, एल का शेयर कितना हो जाएगा 4/6 का 2/5, ये कितना हो गया 12/30 और ये कितना हो गया 8/30। अब हमने चारों पार्टनर्स का निकालना है, तो वो क्या हो जाएगी 12/30, 8/30, 1/6 और 1/6, 30 एलसीएम आएगा 12:8:2, अब ये कितना हो जाएगा 5:5, ये आपके चारों पार्टनर्स की न्यू रेशियो आ जाएगी 12:8:5:5। इस तरह से जब भी आपको अगर गिवन होगा कि कोई भी पार्टनर है उसका चेंज नहीं करना, तो वो हम इसी में से माइनस कर देते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन, हमने दो जो मेथड्स हमारे रहते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वो कंप्लीट कर लिए, और उसके अलावा हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला जो न्यू हमारा मेथड था वो भी सीख लिया। तो ये आपने दोनों मेथड्स हैं, और जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंसेप्ट है वो 20 क्वेश्चंस तक बनते हैं, आपने वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।